नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में आप नेता संजय सिंह को मिली है राहत खबर पर, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें सांसद संजय सिंह की, तो वो आज रिहा होने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर उनकी पत्नी से मुलाकात करने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बीते 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब राउजवन कोर्ट में पेश किया गया था, तो उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर आप सांसद संजय सिंह अब रिहा होने के बाद सबसे पहले इस खुशी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर कहीं ना कहीं मनाने पहुंचेंगे। यहां उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ वो मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उसके बाद अब आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा गया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी को बीजेपी की तरफ से मानहानि का नोटिस भेजा गया है। बता दें कि जिस तरह से नोटिस भेजा गया उसके अंदर आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि मुझे ऑफर आया है कि मैं बीजेपी में शामिल जाऊं, अगर अपना करियर बचाना है तो बीजेपी ज्वाइन कर ले। ऐसे में बीजेपी तरफ से जब नोटिस भेजा गया, उन्होंने पूछा आखिरकार हमारा कौन सा ऐसा बंदा है जिसने आपको बताया है कि आपको हम बीजेपी में शामिल करने की बात कर रहे हैं। वही जिस तरह से नोटिस गया, आप देखना यह होगा कि आतिशी की तरफ से क्या उसका जवाब दिया। किसी तरह से झोंका गया है। वही लगातार बीजेपी ने कहा कि कभी आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदने की रोक लगाती है, कभी अपने आप को करने की बात करती है। तो ऐसे में जिस तरह से आम आदमी पार्टी झूठ फैलाती है उसको लेकर बीजेपी में मानहानि केस भेजा है। दिल्ली से अजय चौहान। दिल्ली में आप नेता रखेंगे उपवास, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। राजधानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा 7 अप्रैल को उपवास आह्वान का आयोजन किया गया है। वहीं यह आह्वान केजरीवाल के आशीर्वाद अभियान के तहत भी किया गया। 7 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे से सामूहिक उपवास कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, आपके सभी विधायक, सांसद और पार्षद पदाधिकारियों समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री आप गोपाल राय ने एक ईमेल आईडी के जरिए लोगों से, देश भर के जनता से अपील करी है कि आप अपने उपवास की फोटो उस ईमेल आईडी पर भेजें। आपको ये देखना होगा कि आने वाली 7 अप्रैल को देश भर में के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ देशवासियों को मिलेगा या नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। चुनाव से पहले यूपी के सीएम योगी ने भरी हुंकार, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रेम पाठक। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिलों का लगातार जो दौरा है वो जारी है, और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा और वाराणसी का दौरा किया और वहां पर जाकर प्रबुद्ध वर्ग जनसम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनको जनता के बीच में रेखांकित करने का कार्य किया और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। उन्होंने साफ तौर पर अपने संबोधन के दौरान कहा कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को जेल जाने से डर लगता है। किसी जमाने में जो अपराधी खुलकर उत्तर प्रदेश के अंदर घुमा करते थे वो अब या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर जेलों के अंदर हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था किस तरीके से उत्तर प्रदेश की बेहतर हुई है। गाजियाबाद में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तमाम पार्टियां राजनीतिक सब चुनावी मैदान में उतर गई है। ऐसे में गाजियाबाद के लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग को यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, दरअसल अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ अतुल गर्ग के लिए यहां पर एक जनसभा में पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाते हुए अतुल गर्ग को वोट देने की अपील की थी। ऐसे में जब देखा गया गाजियाबाद की सीट को लेकर, जब अतुल गर्ग को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया तो उसमें से क्षत्रिय समाज के लोगों ने अतुल गर्ग को टिकट दिए जाने का विरोध किया, जिसके बाद तमाम ये अटकलें सामने निकलकर आई कि
अतुल गर्ग जो कि बीजेपी से लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो कमजोर साबित हो सकते हैं, उनको मनाने को लेकर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद के घंटा घर रामलीला ग्राउंड में पहुंचे, अतुल गर्ग के पक्ष में एक जनसभा की और नामांकन में भी शामिल हुए। उन्होंने क्षत्रिय समाज के लोगों से निवेदन किया है कि वो नाराज ना हो, अतुल गर्ग एक मजबूत प्रत्याशी है और उनको वोट देकर जिताने का काम करें। प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे शिवपाल सिंह यादव, कौन लड़ेगा फिर चुनाव बता रहे हमारे संवाददाता विजय कुमार। बदायूं से समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। एक बार शिवपाल यादव फिर चुनाव से मुकर गए हैं, उन्होंने अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव में उतारने की बात कही है। वही ये बात संभल में हुए कल एक सम्मेलन के दौरान शिवपाल यादव ने अपना बयान दिया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के महासचिव ने अपने बेटे आदित्य को लड़ाने की बात कही थी। वही हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी भी कल अपने प्रबुद्ध सम्मेलन में ये घोषणा कर चुकी थी कि अभी तक तो भतीजे को भगाया है। और यहाँ लखनऊ में समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को लेकर बन सकती है रार, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। लोकसभा चुनाव के रण का बिगुल बज चुका है और अपना किला मजबूत करने के लिए सभी राजनीतिक दल जोर तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची से ब्राह्मण चेहरों को गायब कर नई मुसीबत खड़ी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने परशुराम के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी पार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। उत्तराखंड में बीजेपी अपना कुनबा बड़ा करने में लगी पड़ी है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। लगातार भाजपा अपना कुनबा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आज भी सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से कई जो वरिष्ठ नेता थे वो उन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है। अगर मैं बात करूं मुख्य नामों की तो इसमें से पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके SP सिंह इंजीनियर ने भाजपा का दामन थामा है। देहरादून के प्रदेश कार्यालय में आज उनकी ज्वाइनिंग की गई। वहीं हरिद्वार में बात करूं तो एक निजी आश्रम में जो हरीश रावत के करीबी रह चुके हैं और साथ साथ OSD पुरुषोत्तम शर्मा ने भी आज अपनी जो सदस्यता कांग्रेस से हटाकर अपनी भाजपा में अपनी ज्वाइनिंग की है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी नेता लगातार भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को बेहद मजबूत मान रही है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। कांग्रेस समेत विपक्षी दल के नेता लगातार भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत मान रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने आप को उत्तराखंड में एक विपक्षी पार्टी के तौर पर मजबूत पार्टी मान रही है। और उसी के तहत आज इंडिया गठबंधन ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें आम आदमी पार्टी के जो नेता है उसमें शामिल रहे, साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा इस दौरान मारा जो उन्होंने साफ तौर पर भाजपा जो सरकार है उस पर निशाना साधने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि जो ED है, CBI है और साथ साथ जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनका भाजपा सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और उनके द्वारा जो विपक्षी दल के नेता है उन्हें डराया जा रहा है। और इसके तहत उन्होंने उत्तराखंड के कई मुद्दों को उठाने की कोशिश करी। अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में भी उन्होंने चर्चा की, साथ साथ उन्होंने महंगाई बेरोजगारी के बारे में भी जो प्रेस है उससे वार्ता करी। वही अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्योंकि लोकसभा चुनाव ऐसे में आने वाले हैं तो इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत कर रहा है और साथ साथ इनके बीच में जो बैठकें का दौर है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होता है, क्या मोदी लहर को उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन रोक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा मैन निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। लखनऊ में भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। लोकसभा का चुनाव का किला फतह करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। अब यह स्टार प्रचारक बसपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे।
बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार मुस्लिम कार्ड भी खेला है और उनके प्रत्याशी जहां एक तरफ क्षत्रिय वहीं ब्राह्मणों को भी काफ़ी तरजीह दी गई है। बसपा अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार जोर तोड़ की राजनीति भी चल रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी किया है। इस सूची में नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद, मुनकाद अली समेत ऐसे कई दिग्गज हैं जो मेरठ में बीएसपी और इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशियों ने किया नामांकन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, वहीं हम बात करते हैं मेरठ की। तो मेरठ में आज मेरठ हापुड़ लोकसभा प्रत्याशी बसपा से प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने नामांकन किया है। देवव्रत त्यागी ने नामांकन करने के बाद मीडिया से बात की है और बात करते हुए कहा है कि मायावती ने जो उन पर भरोसा जताते हुए उनको प्रत्याशी बना करके मेरठ भेजा है, मैं जनता के बीच रहूंगा, जनता की समस्याओं को सुनूंगा। उसके बाद इंडिया गठबंधन से अतुल प्रधान मेरठ हापुड़ लोकसभा से प्रत्याशी होकर के आए हैं, उन्होंने भी आज नामांकन किया है। अतुल प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं भी जनता के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ, कई अनशन में बैठा हूँ और लड़ाई लड़ता रहूंगा, जनता के बीच हूँ और जनता के बीच ही रहूंगा। वही पुलिस के भारी इंतजाम के बीच आज नामांकन किया गया है। मेरठ से इंडिया वॉइस। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद हेमा मालिनी करेंगी नामांकन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांसद हेमा मालिनी को तीसरी बार मथुरा से प्रत्याशी बनाया गया है। आज हेमा मालिनी ने विश्राम घाट पर पहुंचकर यमुना नदी पर पूजन किया है। पूरे विधि विधान के साथ में हेमा मालिनी द्वारा पूजन किया गया है। उनके साथ में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने पूजन के साथ ही संकल्प लिया है कि इस बार अगर वो जीतती हैं तो यमुना को जरूर शुद्ध कराएंगी। कई बार से ब्रजवासियों की मांग थी और लगातार मांग उठ रही है कि यमुना का जो स्वच्छ यमुना होनी चाहिए और यमुना का शुद्धिकरण होना चाहिए, वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। स्वच्छ यमुना नहीं है और यमुना में तमाम नाले गिर रहे हैं, यमुना में गंदगी रह रही है। उसको लेकर जो तमाम लाखों श्रद्धालु आते हैं और उन श्रद्धालुओं की आस्था को भी इससे ठेस पहुंचती है और वो आचमन करने से भी घबराते हैं। उनका कहना है कि यमुना को यहाँ साफ नहीं कराया गया है। अमेठी में कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर लगाए गंभीर आरोप। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे वीवीआईपी और चर्चित सीट अमेठी की, जहां पर पूर्व एमएलसी दीपक सिंह द्वारा स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जो अमेठी की सांसद हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी द्वारा पोस्ट किए गए एक स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने दरअसल ये कहा है कि जो केंद्रीय मंत्री अमेठी की सांसद हैं उनके द्वारा जो राशन कार्ड धारकों की संख्या बताई गई है दरअसल वो झूठा है। उन्होंने कहा है कि जो राशन कार्ड धारकों की संख्या बताई गई है वो दरअसल अमेठी में वोटरों की संख्या है। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद द्वारा इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए जो आरोप लगाए हैं क्या उसकी कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। मैनपुरी में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने दिया एक बड़ा बयान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर। जयवीर सिंह ने कहा है कि संगमित्रा मौर्य बदायूं में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के मंच पर मौजूद थी और किसी बात को लेकर आखिर भावुक हो गई। भावुक होने के बाद की उनके आंसू छलक गए, इससे टिकट कटने का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान जिस कार्यकर्ता को टिकट देती है वही चुनाव लड़ता है। मैनपुरी सीट को लेकर कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी इन मैनपुरी सीट को लेकर मंथन कर रही है क्योंकि उपचुनाव में मुलायम सिंह की श्रद्धांजलि के दम पर सीट जीत ली गई थी, मगर इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ मैनपुरी सीट पर कमल खिलाने के लिए तैयार है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुई जो बैठक है, एक रैली का आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन की ओर से, उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं
कांग्रेस के लोग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता अभी तक जेल जा चुके हैं और कांग्रेस के लोगों को खाते सीज भी किए गए हैं। सभी खाते सीज होने के साथ साथ उन पर जो भारतीय जनता पार्टी पर लोग आरोप लगा रहे हैं वह पूर्ण रूप से गलत है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। जौनपुर में सरकारी स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ता, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के सपने को साकार करने के लिए जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी नेता विधायक ऐसे ऐसे तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जौनपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से इन दिनों वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में प्राथमिक विद्यालय का वीडियो बताया जा रहा है और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह और सागन के निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह हैं, जो कि बच्चों से कह रहे हैं, वो अपने माता पिता से कहें मोदी सरकार को वोट दें। जिस तरह से विधायक का जो है जो वीडियो वायरल हो रहा है, कहा जाए और बच्चों की माइंड वॉश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो किस प्राथमिक विद्यालय का है ये कन्फर्म नहीं हो रहा है, लेकिन वायरल वीडियो में विधायक रमेश सिंह और भाजपा प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो होने के बाद जो है तरह तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। हालांकि जो है इस तरह से जो वीडियो वायरल हो रहा है तो विपक्ष भी तरह तरह की सवाल भी खड़ा कर रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। अमरोहा में दानिश अली के सामने एक बार फिर से जमकर हुई मारपीट, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी सांसद दानिश अली का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं उनकी जनसभा में सपा कार्यकर्ताओं को उनके कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पीटा है। बताया जा रहा है कि दिव्यांग सपा कार्यकर्ता था जिसने सांसद दानिश अली से 5 साल तक सपा कार्यकर्ताओं से बात न करने और क्षेत्र में न आने पर उनसे सवाल किया था, जिसके बाद सांसद दानिश अली के कार्यकर्ताओं ने उसे बुरी तरह से पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरा मामला अमरोहा का है, जहां पर अमरोहा लोकसभा में लगातार सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। वहीं अमरोहा के बछराइयों के रहने वाले सपा कार्यकर्ता के कार्यकर्ता सम्मेलन में अमरोहा से गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली पहुंचे थे, जहां पर गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली के कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछने पर सपा कार्यकर्ता जो विकलांग है, दिव्यांग है, उसको बुरी तरह से पीटा है, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि जिस तरह से चुनाव में गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन हुआ है, अब देखना होगा कि गठबंधन के प्रत्याशी बनकर आए दानिश अली के कार्यकर्ता जो सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको बुरी तरह पीटते हैं, क्या सपा कार्यकर्ता ऐसे में गठबंधन प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे या फिर जो है अपने हक की आवाज़ उठाने पर उनको किस तरह से सांसद के कार्यकर्ताओं ने पीटा है। अब देखना होगा कि सपा कार्यकर्ता इसमें किस तरह से रुक लेते हैं और चुनाव किसको लड़ा पाते हैं। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रायबरेली के एम्स में फिर हुई मानवता तार-तार, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली एम्स का एक मानवता को तार-तार करने वाला वीडियो फिर से वायरल हो रहा है और जमकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें रायबरेली जिले के भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुंशीगंज में एम्स स्थित है, जहां पर एक बार फिर गार्डों की खुली गुंडई सामने देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार एम्स रायबरेली में जब एक मरीज अपने आप को दिखाने के लिए एम्स के अंदर आया और वो उसकी गलती बस इतनी थी कि जो स्टाफ के लिए आरक्षित लिफ्ट थी उसमें उसके द्वारा घुसने का प्रयास किया गया और उसका विरोध जब उसके सीनियर ने किया तो गार्डों ने उसका उसकी जमकर पिटाई कर दी और अपने सीनियर को खुश करने के लिए इतना ही नहीं बल्कि उसे पैरों से जमकर मारा पीटा। और जब मथुरा में आबकारी विभाग को मिली एक बड़ी कामयाबी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा में आबकारी विभाग और पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। मांड पुलिस और आबकारी विभाग ने मिलकर नोएडा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चेकिंग करी तो उसमें एक ट्रक जो कि गैर प्रांत की शराब को लेकर आ रहा था, जिसमें 845 पेटी शराब बरामद करी है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। ये गैर प्रांत से ये शराब आ रही थी, पंजाब फिरोजपुर के पंजाब की ये शराब है और ये लोकसभा के चुनावों में खपाने के लिए ले जाई जा रही थी। यानी नोएडा से जो ट्रक आ रहा था वो आगरा की ओर जा रहा था और उसमें 845 पेटी शराब अवैध रूप से पकड़ी गई है। गैर प्रांत की शराब अंग्रेजी शराब थी और इसमें जो है ड्राइवर को और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है। माना जा रहा है कि लोकसभा के चुनावों में ये शराब जो है खपाने का काम हो रहा था और
कम दामों में इस शराब को बेचने का भी काम इनके द्वारा किया जाता है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। दुर्ग में झोला छाप ड्राइविंग का हुआ भांडाफोड़, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत दास। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। अभी तक तो आप देखते होंगे या सुने होंगे कि झोला छाप डॉक्टर या फर्जी डॉक्टर, पर कभी आपने स्कूल का नाम फर्जी सुना था? दुर्ग जिले के नवई थाना अंतर्गत एक ड्राइविंग स्कूल संचालित होती है, साहू ड्राइविंग स्कूल, जहां पर हर 15 दिन में एक स्टूडेंट को ड्राइविंग सिखा करके आरटीओ के द्वारा उसे लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है। कहीं न कहीं ये चीज़ पूरी मिली भगत का आता है, आरटीओ डिपार्टमेंट में सीधे शक के घेरे में आती है। आरटीओ जो लाइसेंस देती है, जिनको उनका कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं, और जब हम वहाँ पे मौके पहुँचे साहू ड्राइविंग स्कूल, वहाँ पे ऐसा कुछ भी हमें देखने नहीं मिला। बंदा 8वीं 10वीं पास था, जबकि वहीं डीजल मैकेनिक होना चाहिए, उनका आईटीआई होना चाहिए, कम से कम उसके लिए उसी को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, और एक वेल ट्रेंड जो हैवी लाइसेंस होते हैं वो ट्रेनर उनको ड्राइविंग लाइसेंस बच्चों को या जो भी 18 साल से ऊपर रहते हैं उनको ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सिखाई जाती है। पर यहाँ पर सब चीज़ मामला घाल में लगा, लगभग 2 साल से बंदा आरटीओ के बिना परमिशन के अपना ड्राइविंग स्कूल धल्ले से शहर के बीच में चला रहे, और वहीं यहाँ पे चंदखुरी गांव कुलगांव थाना से पास में वहाँ पे दो जगह ये संचालित, शहर में एक गांव में संचालित स्कूल कर रहा है। लगभग हजारों बच्चे 2-3 साल में यहाँ से ट्रेंड होकर जाते हैं, और आरटीओ से बाकायदा उनकी लाइसेंस मिलती है उनको, और पूरा मामला संदिग्ध। जब इसके लिए हमने आरटीओ पोस्ट करना फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।